वेलकम टू एम जी बीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 4th स्ट्रीम वैल्यूज। अवर टुडेज टॉपिक इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मिनिमम एंड मैक्सिमम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो सपोज एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सबसेट कैपिटल आर कंटेनिंग द पॉइंट ए कॉमा पी। एफ जो है वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कहाँ पर डिफाइंड है, सेट आर पर। और ये सेट आर क्या कंसिस्ट कर रहा है, पॉइंट ए कॉमा बी को कंसिस्ट कर रहा है। देन एफ ऑफ ए कॉमा बी इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एफ। अब एफ ऑफ ए कॉमा बी जो है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा। कब, अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी इज ग्रेटर इक्वल एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई इन आर। अगर हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या रहेगा, ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा एफ एक्स वाई के लिए। अगर हम हमारा सेट जो आर गिवन है इसका कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर अगर हम एफ की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो वैल्यू या तो इक्वल रहेगी एफ ऑफ ए कॉमा बी के या तो उससे छोटी रहेगी। मतलब एफ ऑफ ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। सो अब एफ ऑफ ए कॉमा बी जो है हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा एफ का। नेक्स्ट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एफ ऑफ ए कॉमा बी लेस इक्वल एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब अगर हमारी जो एफ ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू है वो या तो लेस देन रहेगी या तो इक्वल टू रहेगी, किसके, हर वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की हर आर के पॉइंट पर। मीन्स ये हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा, इससे मिनिमम कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। देयरफॉर अगर हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी लेस इक्वल रहेगा एफ एक्स वाई के तो हमारा एफ ऑफ ए बी क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी एफ की। नाउ एफ ऑफ ए कॉमा बी इज एन एब्सोल्यूट स्ट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इफ इट इज आइदर एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी हमारा या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा या तो फिर एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, तब हम कहेंगे कि हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या है, एक एब्सोल्यूट स्ट्रीम वैल्यू है एफ की। नाउ एफ ऑफ ए कॉमा बी इज अ लोकल मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम। अब या तो आप लोकल मैक्सिमा कहो या तो रिलेटिव मैक्सिमा कहो, दोनों की मीनिंग यहाँ पर सेम रहेगी। तो अब एफ ऑफ ए बी जो है वो लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा कब होगा, इफ देयर इज अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज ग्रेटर इक्वल एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। अब यहाँ पर हम पूरा सेट ना लेते हुए सिर्फ हम क्या कंसीडर करेंगे, नेबरहुड लेंगे ए कॉमा बी का। अगर उस नेबरहुड के हर पॉइंट पर हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल रहेगा एफ एक्स वाई के, तब हम कहेंगे कि हमारा एफ क्या है, लोकल मैक्सिमा है एट पॉइंट ए कॉमा बी। पूरी डेफिनेशन सेम है, डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट में हम जो है वो पूरा सेट आर लेते हैं लेकिन रिलेटिव में हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, जो नेबरहुड्स के पॉइंट्स रहते हैं हम सिर्फ वही लेते हैं। नेक्स्ट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज अ लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ देयर इज अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज लेस इक्वल एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। सेम डेफिनेशन है,
एफ ऑफ ए कॉमा बी या तो लेस होगा या तो इक्वल रहेगा एफ एक्स वाई के, और ये एक्स वाई किसके पॉइंट्स रहेंगे, हमारे नेबरहुड के पॉइंट्स रहेंगे। मीन्स नेबरहुड के हर पॉइंट पर एफ की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी या तो लेस रहेगी एफ ऑफ ए कॉमा बी के। तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, और इसे हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम या तो फिर रिलेटिव मिनिमम। नेक्स्ट, एफ ऑफ ए कॉमा बी इज़ अ लोकल स्ट्रीम और रिलेटिव स्ट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इफ इट इज़ आइदर अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। अब अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी या तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी या तो मिनिमम वैल्यू रहेगी, तब हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या है, हमारा लोकल स्ट्रीम वैल्यू है। मीन्स या तो वो मिनिमम होनी चाहिए या तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए कॉमा बी हमारा जो है वो क्या है, लोकल स्ट्रीमम है। नेक्स्ट फिर है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल स्ट्रीम वैल्यू। सपोज एफ एक्स वाई इज डिफाइन ऑन अ रीजन कैपिटल आर एंड ए कॉमा बी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर। एफ जो है वो हमारा डिफाइन रहेगा सेट आर पर, और एक पॉइंट हम लेंगे ए कॉमा बी जो कि किसके इंटीरियर में रहेगा, हमारे सेट के इंटीरियर में रहेगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट ए कॉमा बी। अब एफ जो है वो या तो मैक्सिमा होना चाहिए या तो फिर मिनिमा होना चाहिए, कहाँ पर, हम जो इंटीरियर पॉइंट ए कॉमा बी ले रहे हैं वहाँ पर। सेकंड जो कंडीशन है, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एट ए कॉमा बी एंड एफ ऑफ वाई एट ए कॉमा बी बोथ एग्जिस्ट। और जो हमारी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स है लेकिन कहाँ पर, एट पॉइंट ए कॉमा बी पर। तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर एग्जिस्ट होंगी, देन जो हमारा एफ एक्स रहेगा एट ए कॉमा बी ये क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, एंड हमारा एफ ऑफ वाई एट ए कॉमा बी भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मीन्स एफ क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा एट ए कॉमा बी पर, और जो सेकंड कंडीशन है अगर एफ एक्स एट ए कॉमा बी एंड एफ ऑफ वाई एट ए कॉमा बी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन एफ एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, और एफ ऑफ वाई एट ए कॉमा बी ये भी इक्वल टू क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट। द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, और वेयर वन और बोथ एफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई डू नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स है एफ एक्स और एफ वाई ये क्या होगी, ज़ीरो होगी, या तो फिर हो सकता है एफ एक्स एग्जिस्ट ना हो, एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट ना हो, या तो फिर दोनों ही जो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव्स है एग्जिस्ट नहीं होंगी। तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या तो फिर स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द सैडल पॉइंट। एट अ क्रिटिकल पॉइंट ए कॉमा बी एफ इज सेड टू हैव अ सैडल पॉइंट इफ एफ इज नाइदर लोकली मैक्सिमम नॉर लोकली मिनिमम एट ए कॉमा बी। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट ए कॉमा बी पर हमारा एफ ना तो मैक्सिमम आता है ना तो मिनिमम आता है, तब हमारा जो पॉइंट ए कॉमा बी क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि स्ट्रीम वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी एग्जांपल है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डोमेन फाइंड करना होगा इफ़ का। अब इफ़ की जो ये वैल्यू है ये हर पॉइंट पर एग्जिस्ट होगी, ज़ीरो पर भी, पॉजिटिव रियल नंबर्स पर भी, निगेटिव रियल नंबर्स पर भी। तो अब जो हमारा डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंटायर प्लेन हो जाएगा, क्योंकि इफ़ की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट होगी, चाहे आप कोई भी प्लेन का पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर हमारी वैल्यू एग्जिस्ट होगी। क्रिटिकल पॉइंट पर जो हमारा एफ एक्स और एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एफ एक्स फाइन करेंगे, टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली एफ ऑफ वाई हम फाइन करेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को। अवर फर्स्ट इक्वेशन इज टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो माइनस अवर सेकंड इक्वेशन इज टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो साइन से चेंज होगी, पॉजिटिव बिकम्स निगेटिव। प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई गेट्स कैंसल, सो वी गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। माइनस एक्स स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट साइड ऑफ आवर इक्वेशन, सो वी गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। नाउ अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू y पुट करना है तो हो जाएगा टू इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। टू प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर बिकम्स थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब y स्क्वायर इटसेल्फ ज़ीरो रहेगा एंड स्क्वायर ज़ीरो है, मीन्स y जो है वो ज़ीरो होगा, तभी इसका स्क्वायर ज़ीरो आएगा। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिली y इक्वल टू ज़ीरो। पुट करेंगे हम y इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस टू एक्स वाई। तो y की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट की विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर ज़ीरो है मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो रहेगा अगर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। सिमिलरली नेक्स्ट हमें पुट करना है एक्स इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट टू इंटू माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। माइनस वाई स्क्वायर ज़ीरो है, इट मीन्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो आएगी। जब हम वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में सो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी ज़ीरो। मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। नाउ जब हम 0,0 पर एफ़ की वैल्यू फाइन करेंगे, मीन्स एफ ऑफ 0,0 फाइन करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आएगी। नाउ एफ एक्स वाई हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे वाई इक्वल टू एक्स तो हमारी इक्वेशन चेंज होगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एंड इट इज़ इक्वल टू टू एक्स क्यूब। बट अगर अब हम एक्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो जो हमारा एफ एक्स वाई है ये किसके इक्वल है, टू एक्स क्यूब के। तो टू एक्स क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मीन्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। और ज़ीरो ये किसकी वैल्यू है, हमारी एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो की। बट अगर हम x क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो ये x क्यूब जो है वो निगेटिव का क्यूब जो है वो निगेटिव ही आता है,
तो जो हमारी इफ की वैल्यू रहेगी वो निगेटिव रहेगी, मीन्स अवर इफ एक्स वाई इज लेस देन ज़ीरो, एंड ज़ीरो ये हमारी इफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो की वैल्यू थी। सो यहाँ पर हमारा जो है वो इफ जो है वो पॉजिटिव के लिए ग्रेटर आ रहा है और निगेटिव के लिए लेस आ रहा है। दस इफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इज़ नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू, मीन्स यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ पॉइंट के लिए हमारा इफ पॉजिटिव रहेगा और कुछ पॉइंट के लिए हमारा इफ निगेटिव रहेगा, बट एक्सट्रीम वैल्यू के लिए ऐसा नहीं है। हमारा इफ या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो फिर सिर्फ लेस होना चाहिए। हिंस 0.0 अब ये क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है। सो 0.0 इज़ अ सैडल पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ लेट जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शो दैट 0.0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, इज़ इट अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब z इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्रिटिकल पॉइंट पर हमारी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो ज़ीरो होती है, मीन्स जब हम z की डेरिवेटिव लेंगे डाबा z अपॉन डाबा x, सो विच इज़ इक्वल टू 2x, ये ज़ीरो रहेगी। सिमिलरली जब हम z की डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज़ डाबा z अपॉन डाबा y, विच इज़ इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो। 2x इक्वल टू ज़ीरो माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। मीन्स 0.0 ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। नाउ इन एवरी नेबरहुड ऑफ 0.0 देयर इज़ अ पॉइंट एक्स कॉमा ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस। अब जब हम 0.0 का नेबरहुड लेंगे तो वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा एक्स कॉमा ज़ीरो, जो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। अब जब एफ एक्स वाई पर हम ये पॉइंट पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो, तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव का स्क्वायर भी क्लियरली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। सो ये जो हमारी एफ की वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये ज़ीरो हमारी ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 0.0 की वैल्यू है। बट अगर हमने एक पॉइंट लिया 0.y वाई एक्सिस पर, तो जो हमारा एफ एक्स वाई है ये इक्वल रहेगा एफ ऑफ 0.y विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर y निगेटिव भी है तो स्क्वायर के बाद पॉजिटिव होगा, लेकिन अब जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो हमारी टर्म है ये हमेशा निगेटिव आएगी, लेस देन ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0.0। मीन्स एक्स एक्सिस पे जो हमारा एफ रहेगा वो ग्रेटर रहेगा एफ ऑफ 0.0 से, बट वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स रहेंगे वहाँ पर हमारा एफ क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, लेस देन ज़ीरो रहेगा। सो एफ इज़ नाइदर लोकली मैक्सिमा नॉर लोकली मिनिमा एट 0.0, हिंस 0.0 इज़ द सैडल पॉइंट। यहाँ पर जो है वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये ना मैक्सिमा रहेगा ना मिनिमा रहेगा, बल्कि ये क्या रहेगा, अब हमारा सैडल पॉइंट रहेगा। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है।